इस भारत के मिट्टी से मोहब्बत करना मेरा फर्ज है, इस भारत की मिट्टी को सम्मान देना मेरी प्रथा है, मेरी संस्कृति है, मेरे संस्कार है, और इससे मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुल्ला, कौन मौलवी, कौन सड़क छाप 10 पैसे वाला, दाढ़ी टोपी वाला, लुंगी पहनने वाला, मदरसा छाप जिसको ना 4 लाइन अंग्रेजी आती है ना 4 लाइन अरबी आती है, वो मेरे बारे में क्या बातें रख रहा है और मेरे बारे में कौन से फतवे निकाल रहा है, उससे मुझे अनम चवन्नी का भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी मैं एक बात अनम आपको बता दूं कि भारत की यह खूबसूरती है, भारत का ये करिश्मा है, भारत का ये चार्म है कि आप जब रोड पर निकलिएगा ना, तो जो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं, या जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या जो लोग बहुत नॉर्मल से लोग हैं, अगर आप उनसे भी पूछिएगा ना कि संविधान या रिलीजन, तो वो कहेंगे संविधान, भारत या आपका धर्म, तो वो कहेंगे भारत। तो ये मैं सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर चुन्नू मुन्नू कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ठरक सेब की औलाद हैं, जो हर वक्त जिहाद करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जो सिविलाइज्ड मुस्लिम है, जो एडुकेटेड मुस्लिम है, और 82% से ज्यादा हमारे सनातनी भाई, वो भी यही कहेंगे कि संविधान, भारत, तिरंगा झंडा, तब जाकर के रिलीजन आता है। अब आप कहेंगी कि आपने ऐसा कह दिया, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सनातन धर्म भारत माता से, भारत की मिट्टी से इतनी मोहब्बत करता है, संविधान से इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि भाई लॉर्ड रामा के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल में ही बताया गया है, जेंटलनेस बताया गया है, सेल्फलेसनेस बताया गया है, ड्यूटीफुलनेस बताया गया है, कमिटमेंट बताया गया है, करेज बताया गया है, नॉबिलिटी बताया गया है, दीज आर द सिंबॉलिक ऑफ एवरीथिंग दैट मर्यादा पुरुषोत्तम स्टैंड फॉर। तो जो हमारा संविधान कह रहा है कि यह चीज गलत है, यह चीज पाप है, वही वही सनातन धर्म भी कह रहा है। जो हमारा संविधान कह रहा है कि औरत को सम्मान देना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए, आपको औरत को इस तरह से आप मलाइंग और डिफेम नहीं कर सकते, आप औरत को मिसयूज नहीं कर सकते, वही वही सेम चीजें सनातन धर्म भी कह रहा है। तो इसलिए सनातन धर्म के लिए मानने वालों के लिए बहुत बहुत इजी चीजें होती हैं, और वो लोग बहुत स्मूथली भी इन चीजों को बचपन से सीखते हुए आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर सनातनी ने संविधान पढ़ा होगा जैसे हमने पढ़ा है। हम क्योंकि इस प्रोफेशन में हैं, तो हम आर्टिकल्स जानते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते हैं, हम पार्लियामेंट्री रूल्स जानते हैं, हम संविधान के आर्टिकल्स को लेकर के केसेस लड़ते हैं, हम आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर के केसेस लड़ते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इनोसेंट सनातनी से भी आप पूछिएगा कि महिला आपके लिए क्या है, तो वो कहेगा देवी है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है, नौ रूप दुर्गा के, नौ स्ट्रेंथ दुर्गा के, नौ करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से नौ दुर्गा के नौ रूप है, नौ माएं हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है। मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम, आई एम नॉट एन इजी टास्क। तो अब आप मुझे बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं अनम, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है, आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से
जिहाद की बातें बताई जाती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर है। तो आप मुझे बताइए ना कि कुरान और इस्लाम ने औरत को दर्जा, वैल्यूएबल दर्जा कहां पर दिया है, आप मुझे बताइए। फिर मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगी आपको पूरा कुरान के हवाले से वर्सेस सूरा नंबर बता बता करके एक्सप्लेन करूंगी। चलिए बताइए मैम। ये चीज तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आपको भी पता है मेजॉरिटी मुसलमानों की पाकिस्तान में मर्द ओढ़ते हैं, मर्द की बात करूंगी, और हिंदू बहुत कम है। और हिंदुओं से, कुछ हिंदुओं से मेरा मतलब वास्ता है, बातचीत है। अभी राखी का जब ये फेस्टिवल गुजरा है तो मैंने ऐसे ही एक हिंदू को, मतलब इतना कोई क्लोज रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं, मैंने वैसे ही कह दिया कि आप किधर हो, तो उसने कहा कि मैं तो अपने घर पे हूँ, बहनों के साथ राखी का फेस्टिवल था तो वो मनाना था। तो उसको मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने तो सोचा था कि मैं तो आपको राखी बांधूंगी आगे से। उसने कहा बहन बनना चाहती हो, मैंने कहा हाँ, क्यों इतराज है आपको? उसने आगे से कहा नहीं, मुझे इतराज नहीं है, कहता है कि मैं तो मतलब बहन बना लूंगा। अगर एज कम्पेयर टू मुसलमान को किसी को ऐसा कहूँ, मेजोरिटी में बात करी, बस सब मुसलमानों को नहीं कहनी, लेकिन मेजोरिटी में अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई बहन बनना चाहती हूँ, उन्होंने कहना कि नहीं भाई बहन नहीं बनाना, हमारे घर में बहनें अपनी भी है। तो मतलब ये डिफरेंस आ गया कि उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि हम बहन नहीं बनाएंगे, उसने कहा बहन बनना चाहती हूँ, मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा। देखिए सनातन धर्म की खूबसूरती तो यही है ना, मर्यादा है, डिसिप्लिन है, रिश्तों के मान है, रिश्तों के बैरिकेड्स हैं, रिश्तों की खूबसूरती है, और अलग अलग रिश्तों के की अलग अलग मोहब्बत दिखाने और जताने का तरीका है। यही तो खूबसूरती है ना सनातन धर्म की। सनातन धर्म में रिश्तों की मर्यादाओं को बहुत ज्यादा दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और जितने भी भगवान है, भगवान शिव है, भगवान राम है, या जितनी भी मैंने नौ देवियों की बातें कही है, वो जब हमारे घर में एक साथ खेल कूद करके जब हमारे कजन ब्रदर्स भाई जो है वो खड़े होते हैं, तो हमारे उठान को देख करके उनके मुंह में लार टपकने लगता है और वो हमसे निकाह करने के लिए परेशान हो जाते हैं। हमारे इस्लाम में मामू, दूर के मामू से भांजी की शादी हो जाती है, आप तो डिनाई नहीं कर पाइएगा। हमारे इस्लाम में अगर खाला मर जाए तो खालू से शादी हो जाती है। अब आप सोचो कि मौसा और मौसी बाप के दर्जे के बराबर होता है, और उसके साथ भी सेक्स करने का तरीका हमारे इस्लाम ने बता दिया है। भैया मामू दूर का हो या पास का हो, है तो वो माँ का भाई ना, पर हमारा इस्लाम इस बात की अनुमति देता है कि अगर दूर का है तो कर लो, कोई बात नहीं है, और अगर मामू पसंद आ गए, मामू को पसंद आ गई है भांजी, तो कर लो कर लो। मतलब वो मामू जिसको हम दो बार माँ माँ पुकारते हैं, मामा, माँ और माँ दो बार पुकारते हैं, उसके साथ हमको हम बिस्तर की करनी पड़ती है, उसके साथ हमारे इस्लाम धर्म की लड़कियों को सेक्स करना पड़ता है। शिक्षा की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, इम्प्रूवमेंट की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, डेवलपमेंट की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, इंटेलिजेंट होने की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, कर्तव्य की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, सक्सेस की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं, औरतों को इक्वल दर्जा देने की बातें बहुत ज्यादा नहीं बताई गई हैं। आपको मैम अगर हम बात करें इस्लाम की, तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम में बहुत ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन इल्म की बात जरूर की गई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आज के मुसलमान मौलवी या मौलाना जिनकी भी बात करें, वो इल्म की उतनी बात नहीं करते, वो जितना जज्बे और वो जहाद और साथ में क्या कहते हैं जंगों की या फिर गजबाए की बात करते हैं। लेकिन हम अगर कुरान की बात करें तो आपके सामने, मैंने उस दिन लास्ट टाइम भी बताया था और आपको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने भी ये बात बोली थी कि इल्म के जो लफ्ज है वो अल्लाह के बाद कुरान में भी मौजूद है, कुरान में बहुत दफा इल्म का कहा है, लेकिन आज के मौलवी मुल्ला क्यों नहीं बताते, आज के मौलवी मुल्ला क्यों नहीं इल्म का कहते, क्यों नहीं कहते कि जाके लड़कियां तलीम हासिल करे यूनिवर्सिटी कॉलेज या उस तरह, और इससे मदरसों की बात क्यों करते हैं आज के मुसलमान, आज के मौलवी? देखिए कुरान ने तो, हमारे मौलवी मुल्ला तो ये भी नहीं बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के अपने चाचाजात भाइयों ने इमाम हसन हुसैन के का गला काटा था। किस लिए काटा था? गवर्नरशिप लेने के लिए, उस जंग को, करबला की जंग को जीत करके इराक में जो कब्जा होने वाला था उसको अपने कब्जे में करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने ग्रैंड सन को
एक गवर्नरशिप के लिए जंग के मैदान पर उतार तो दिया था ना, और जो गला काटा था वो भी मुसलमान था, और जिसका गला कटा था वो भी इमाम हसन हुसैन, वो भी मुसलमान थे। तो आप सोचो कि मुस्लिम कम्युनिटी में आज हम कहते हैं कि जो लोग सुन्नत रसूल मानते हैं, जो लोग सुन्नत रसूल को फॉलो करते हैं, वो बहुत पोलाइट होते हैं, वो बहुत काम होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो बचपन से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचाजाद भाई, जो करबला के जंग में जिन्होंने उन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नातियों का सर कलम कर दिया, क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद से कुछ नहीं सीख पाए? क्या उन्होंने कोई तहजीब, तमीज, पोलाइटनेस और फॉरगिवनेस और जीत हार को खत्म करके अपनी अपने ह्यूमैनिटी को और अपनी रिश्तेदारी को सर्वप्रथम रखना उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? बीबी मरियम अलैहि सलाम जब बिना पुरुष के, बिना मेल के जब प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनको मलाइन करने वाला, उनको डिफेम करने वाला, उनको बेइज्जत करने वाला, उनको बेआबरू करने वाला, उनके उनके चरित्र पर उंगली उठाने वाला कौन था? मुसलमान था ना, मुसलमान था। तो यही बीबी मरियम जब मदर मैरी बन करके चर्च में जाती हैं, तो उस चर्च को आपके पाकिस्तान में तोड़ा जाता है, और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं ओ चर्च जाएंगे, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। बिल्कुल किया होगा। तो ये बात, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर कुरान ने बताई है, तो हमारे मौलवी मुल्ला क्यों नहीं बताते हैं इस बारे में? बताना चाहिए ना, ये बताने में क्या हो जाता है? अब मैं आपको फिर सातवीं बात बताती हूँ जो हमारे मौलवी मुल्ला नहीं बताएंगे। आपने आप एक इस्लामिक देश में है और मैं हिंदुस्तान में हूँ, पर हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे मौलवी मुल्ला ने कभी भी नहीं बताया कि 680 CE में जब करबला की जंग हो रही थी, इमाम हसन हुसैन उस जंग में मौजूद थे, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन से यह जंग हो रही थी और तलवारबाजियां चल रही थी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल कर रहा था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के गले को काट रहा था, और तब एक हिंदू मोहियाल ब्राह्मीन ने इमाम हसन हुसैन का करबला में मदद किया था। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हमारे मौलवी मुल्लाओं ने खुद से पैदा किया है, और कहीं देखिए बिना आग के चिंगारी नहीं उड़ती है अनम, बिना आग के चिंगारी नहीं उड़ती है। जब कुरान ने यह कह दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को बहलाने के लिए हवा को हम पसली से पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुल्लाओं ने उसको थोड़ा सा मोल्ड किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया, और कहा कि अरे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिल जाएंगे। जब कुरान ने ये बात कह दिया कि भाई आप चार शादियां कर सकते हैं, सुनना है, तो कहीं ना कहीं मौलवी मुल्लाओं ने वो उस एग्जाम्पल्स को साइड कर दिया कि भाई विधवा से करो, बड़े एज की औरत से करो, अनाथ से करो, मजबूर से करो, उन चीजों को साइड करके अपनी ठरकबाजियों को सामने रख दिया और एक इस्लामिक नाम दे दिया लोगों को कि हाँ हाँ चार शादी करता है, प्रॉफिट मोहम्मद किए थे, हम भी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, पर आज चवन्नी अठन्नी बंदर छाप भी अपने नाम के आगे हाजी लगा लेता है। अरे भैया तुम सुन्नत रसूल मानते हो ना, तुम तो सुन्नत रसूल पर चलते हो ना, तुम तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे जो हमारे मौलवी मुल्ला क्या बोलते हैं, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं। तो अगर वाकई में पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के जो चवन्नी अठन्नी मुसलमान है, अगर वो वाकई में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो अपने नाम के आगे हाजी क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी कभी नहीं लगाया था। अब मैं आती हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ इसी बात पे। पाकिस्तानी है ये। हमारे नबी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ है, नाम बताइए। मुसलमान है मेरे भाई, कलमा सुनाओ यार कलमा।
ईमान इस्लाम की बुनियाद है, कलमा। कलमा अगर इंसान नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान कैसे होगा यार? यहाँ के मुसलमानों बच्चों को, मुसलमान हम जिनको कहते हैं, उनको कलमा, नबी का नाम, कुरान की वो चीजें नहीं पता। सिर्फ क्या है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हमें इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। ये बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन बहुत बड़ी बात थी। ये मुल्लाओं के बातों पर आराम से मुसलमान चला। तो लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, और उसके सबसे करीबी जो प्रॉफिट है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पाकिस्तान में या हमारे हिंदुस्तान में शियाओं पर इतना अत्याचार, अहमदियों पर इतना अत्याचार, यहूदियों पर इतना अत्याचार, क्रिश्चियंस पर इतना अत्याचार क्यों होता है? भाई शिया, अहमदी, वहाबी, ये तो अल्लाह को मानते हैं ना, अल्लाह को तो मानते हैं ना। इनसे सुन्नी मुसलमान इसलिए चढ़ते हैं, इनके ऊपर इसलिए अत्याचार करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद नहीं मानते। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदा करने वाला वही अल्लाह है ना, इस कुरान को नाजिल करने वाला भी तो वही अल्लाह है ना। तो अगर कोई शख्स, अगर कोई एक कम्युनिटी, अगर कोई एक फिरका अल्लाह को मान रहा है तो तुम उसकी मस्जिद में बम कैसे मार सकते हो? आज आपके बलोच में और आपके आजाद कश्मीर में जो लोग दो दिन से नारेबाजियां लगा रहे हैं और आपकी पाकिस्तान की सरकार खामोश मुंह में तेल लेकर के बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। मैं भी कहती हूँ कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मैं मुल्ला की मानने वाली नहीं, मैं कुरान की मानने वाली हूँ, मैं हदीस की मानने वाली नहीं हूँ। कोई मुझसे नहीं मनवा सकता है। पाकिस्तान में बैठे जो बंदर छाप लोग, चवन्नी अंटन्नी, जो मेरे नाम का फतवा निकाल रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पाकिस्तान के क्या, इस हिंदुस्तान के लोग के मौलवी मुल्ला भी अगर मेरे नाम से फतवा जारी करेंगे तो मैं उनके ऊपर कानूनी केस करूंगी, मैं उनको घसीट करके कोर्ट लेकर के जाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी कि कुरान का वो पारा और वो सूरा मुझे दिखाओ जहां पर इल्म की तारीफ की गई है, कुरान का वो पारा और वो सूरा मुझे दिखाओ जहां पर मर्दों को 72 वर्जिन हूरों का सेक्सुअल मजा लेने की बात कही गई है, मुझे दिखाओ। आप समझ रही हैं मेरी बात? वो हार जाएंगे वो केस। और ये एक बड़ी वजह है कि क्योंकि मैं पूरे कुरान के वर्सेस और सूरा नंबर के साथ बात करती हूं, इसी वजह से ये लोग मेरे बारे में सिर्फ प्रोपेगेंडा बना सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया में मलाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे नाम से फतवा जारी करने में इनकी फट चुकी है, इनकी फट चुकी है लिटरली। ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब इनको पता है कि नाजिया कानून का दरवाजा खटखटाएगी और खुद खड़े होकर के जज के सामने बोलेगी कि दिखाओ मेरे को कुरान से 72 वर्जिन हूर का मजा, बता, नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको भी पता है कि ये उसकी बनाई हुई स्टोरी है, ये तो वो जानते हैं। इसलिए मेरे अगेंस्ट में वो बोल सकते हैं, पर मैं चाहती हूं कि मेरे अगेंस्ट में एक्शन लो। अरे आज सनातन धर्म में गॉडेस की बात की जाती है, देवियों की पूजा की बात की जाती है, सनातन धर्म में देवियों के सम्मान की बात की जाती है, चरणों पे फूल दिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं? बेबी मरियम अलैहिस्सलाम को मलाइन कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई। और यही वजह है कि मैं संविधान की मानने वाली हूं, मैं इस भारत की बेटी हूं, मैं अपने राष्ट्र से मोहब्बत करती हूं, मैं अपने संविधान से मोहब्बत करती हूं, मैं भगवान राम की आइडियोलॉजी से मोहब्बत करती हूं, और जो भी कुप्रथाएं मेरे इस्लाम में हैं, मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। और किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है जो मुझे इस्लाम छोड़वा दे, किसी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो होता है वो घर के अंदर होता है, बाहर में हम हिंदुस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी हैं, बाहर में ये है। आपका पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इस्लाम पहले के पाकिस्तान पहले, तो आप गद्दारी कर दीजिएगा, आप कहिएगा इस्लाम पहले, आप पाकिस्तान को सर्वप्रथम नहीं रखिएगा। पर मुझसे जब पूछा जाता है तो मैं एक सेकेंड, 0.1 सेकेंड भी नहीं लिए बिना मैं कहती हूँ कि मेरा नेशन फर्स्ट है, मेरा संविधान, मेरा जो राष्ट्र है वो पहले है, क्योंकि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती कभी भी नहीं। अरे नमाज पढ़ना है उसके लिए घर है, रोजा रखना है उसके लिए घर है, मैं मुसलमान हूं उसके लिए घर है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। और ये जो पूरा भारत है,
ये मेरा परिवार, इस परिवार को मुझे लेकर के चलना है। अब इन सब चीजों का जो एक एंड पे तज्जिया निकालने वाले हैं वो बैठे हुए हैं हमारे देखने वाले व्यूवर्स, और वो बताएंगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे कि इस तरह की चीजें आपको भी सुननी पड़ी हैं। गाली दी जाती है। एक मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, वेस्ट बंगाल में एक मंत्री है, उसके मिनिस्टर है, वो भी आप मुसलमान ही है, उसके क्योंकि उसके अगेंस्ट में मैंने केस फाइल किया है, तो उसके आसपास के जो बहुत क्लोज लड़के जो चेले चपड़ने लोग हैं, उसने उसने कहा है कि अपनी तेरी माँ को मैं ठंडा करूंगा। क्या ही बोला जाए इन लोगों के बारे में, और उस मंत्री का नाम सुन ना तो दंग हो जाओगी। जावेद अहमद